लंबे समय से चला रहा नीट विवाद अब समाप्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी। हमारे साथ नीट की फैकल्टी मौजूद है। सर, जो लंबा एक विवाद चला रहा था जिससे ना सिर्फ फैकल्टी बल्कि बच्चे भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में थे कि हमारा भविष्य क्या होगा, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दे दिया है कि अब इसकी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। कैसे देखते हैं इस फैसले? सर, सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले को हम लोग दोनों तरीके से, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम फैसला है तो हमें उनके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की पवित्रता जो है वो भंग तो हुई है। हाँ ठीक है, मास स्केल पर इस चीज़ को हम लोग पूरी तरह से डायग्नोस नहीं कर पाए, एविडेंस अवेलेबल नहीं हुए, दैट्स वाई इतने बड़े लेवल पर एग्ज़ाम वापस कंडक्ट करवाना भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी रही हो। लेकिन भविष्य में भी अगर ऐसा हुआ तो मेडिकल चिकित्सा जैसे क्षेत्र में आप किस तरह के डॉक्टर बना करके आगे भेज रहे हैं, इसके लिए NTA को और गवर्नमेंट को मैं चाहूँगा कि बहुत ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम के अंदर कुछ ऐसा करे कि हम लोग एक वर्ल्ड क्लास लेवल के डॉक्टर प्रिपेयर करें, ना कि बैकडोर एंट्री से, ग्रेस मार्क्स से या और किसी तरह के लीक के वजह से। तो प्रीलिम्स और मेंस जैसे कंसेप्ट लेके आए, या फिर JEE के अंदर जैसे एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड है तो वैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम की कोई ना कोई फॉर्मेट प्रिपेयर करे गवर्नमेंट, उसके लिए इंफ्रा डेवलप करें ताकि आगे इन फ्यूचर हम लोग एक बेहतर चिकित्सा क्षेत्र और भविष्य अच्छे डॉक्टर के साथ दे पाएँ। जिस प्रकार से फैसले में ये भी कहा गया था कि करीब 1563 बच्चों ने री एग्ज़ाम करे थे और उसके बाद भी अगर कुछ और बच्चों को अगर दिक्कत है तो वो अपने अपने राज्य के हाईकोर्ट में जाकर फैसला ले सकती है, इस बारे में आवाज़ उठा सकती है। सर, क्या आपको नहीं लगता, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया लेकिन ये भी कहा है कि अभी भी अगर जिन बच्चों को प्रॉब्लम है तो वो अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाके इस मामले को उठा सकती है, क्या आपको नहीं लगता फैसला एक ही जगह से आना चाहिए और अभी भी कुछ कन्फ्यूजन छोड़ दिया गया है? नहीं, फैसला तो एक ही जगह से आना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन दो तीन चीज़ें हमें समझनी होगी। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट किया है कि ये फेयर एग्ज़ाम नहीं था, भले ही लोकलाइज चीटिंग हुई हो या लीक हुआ हो बट कहीं ना कहीं था। तो उनका मेन इशू ये था कि भाई बहुत मेजर लेवल पे जो स्प्रेडिंग नहीं हुई है इसलिए सारे बच्चे सफ़र नहीं करने चाहिए, जो बच्चे सफ़र किए हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको बाहर निकाला जाए। तो समवाट ये सारी चीज़ें उन्होंने NTA के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी कि भाई आप अपने एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इसको थोड़ा सा और मतलब फुल प्रूफ बनाएं ताकि इस तरह से आगे गलतियां ना हो। तो इसमें NTA को चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ इसको ऐसे करें जिससे लीकिंग की प्रॉब्लम ख़त्म हो और जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से हो। और सबसे बेटर यह है कि अगर इसको कंप्यूटर बेस्ड कर दें जैसे JEE मेंस है और 2 tier का एग्ज़ाम कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरा तो यही सजेशन है कि हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हम एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है NTA में, वो सोचना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल ना, जैसे कि सर ने कहा मॉडिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डिजिटलाइजेशन के इस युग में है सर, चांद तक हम पहुंच गए हैं लेकिन एक परीक्षा हम सही तरीके से नहीं करवा पाते और सुप्रीम कोर्ट को भी ये बोलने पे मजबूर हो जाना पड़ता है कि 24-25 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एविडेंस की कमी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी। देखिए, ऐसा है, इतना बड़ा एग्ज़ाम, अभी मैं सुन रहा था पूरा, प्रैक्टिशनर्स क्या बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम सही से इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल्स में सेंटर डाल रहे हैं। आपको पता है इतना बड़ा एग्ज़ाम जो होता है, इतने सेंटर्स बनाए जाते हैं, क्या आप प्राइवेट जो व्यक्ति है स्कूल के अंदर, टीचर हैं या दूसरे हैं, उनका यूज़ तो करना पड़ेगा ना। और जो पेपर लीक हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम और आप? जाए जब तक कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हैं वो अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे, गवर्नमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप सोचिए कि अगर प्रैक्टिशनर ये कह रहे हैं कि सीकर से बहुत ज़्यादा बच्चा आ गया, कह रहे हैं कोटा से बच्चा आ गया, जयपुर से बहुत अच्छा रिजल्ट है, बच्चे मेहनत भी तो कर रहे हैं, बच्चों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे कट ऑफ तो हाई जा रहा है, हाई कट ऑफ गया, इस बेस पर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, कुछ लोगों को ग्रेस मार्क दिया गया, वो NTA ने अपनी कमी मानी और वापस लिया, ठीक है। री नीट की बात जो हो रही थी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबको एक साथ न्याय नहीं मिल सकता है, कई बच्चे ऐसे थे जो चाह रहे थे, बॉर्डर लाइन पे थे, उनको लग रहा था री नीट अगर हो जाता है तो मुझे चांस फिर से मिल जाएगा और हो सकता है इस बार हम अच्छा कर जाएं।
लेकिन वहीं पर दूसरा एक जो ग्रुप था वो ये चाह रहा था कि हमने एग्ज़ाम दिया, हमारा रिज़ल्ट आ गया, तो जब हम क्वालिफाई हो गए हैं तो हम फिर से नीट में क्यों बैठे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, नो डाउट उसे सभी को मानना चाहिए, और जो बॉर्डर पर रह गए हैं अच्छा है उनके लिए कि वो एक मौका और बड़ा पा गए हैं, अगली बार की तैयारी करें, अच्छे से अच्छी जगह पे निकलें, ठीक है ना। सही है, चांद पे हम पहुंच गए, हम एग्ज़ाम भी बड़ा करा रहे हैं। अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कल बोला इस चीज़ को कि फर्स्ट टाइम हुआ है कि NTA इतने दिनों से पेपर करा रहा है, फर्स्ट टाइम इस तरीके की उंगली उठाई गई है। नो डाउट इसकी जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जाए, और मुझे लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो ये और अच्छा हो सकता है, ठीक है ना, बस मैं इतना कह रहा हूँ। सही बात है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी, राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो ये चीज़ और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। सर कम से कम 24 से 25 लाख बच्चे इस परीक्षा के अंदर उतरे, और कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ साथ जो इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जैसे फैकल्टी हैं, आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। तो ऐसे में अब चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन अब आगे ऐसा क्या हो कि इस तरीके की चीज़ें नहीं हो, क्या इसमें मेजर्स लेने चाहिए, भले ही इंस्टीट्यूट लेवल पर हो या गवर्नमेंट लेवल पर हो। सर इसमें एक तो एग्जामिनेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जी। मेरे हिसाब से 2-टायर एग्जामिनेशन होना चाहिए और 2 ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करें। फर्स्ट एग्जामिनेशन तो पेन पेपर मोड में हो जी। क्योंकि 25 लाख अगले साल 26 लाख भी हो जाएगा, और अभी अपने पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि सबको एक पेपर 1 डे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करा पाए। तो फर्स्ट एग्जामिनेशन पेन पेपर मोड पे कर लें और कुछ 50% मार्क्स के बेसिस पर स्क्रीन कर लें, और फिर सेकंड लेयर एग्जामिनेशन जो होगा कोई दूसरा बॉडी जैसे नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन है, एम्स है या CBSE है, एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो कंडक्ट करे और वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो। अगर सपोज़ करो फर्स्ट फेज़ में कहीं पर कोई दिक्कत आ भी गई तो सेकंड फेज़ में वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, स्क्रीन आउट हो जाएगा, और एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी मेंटेन रहेगी, फेयर होगा और स्टूडेंट का ट्रस्ट बढ़ेगा। दूसरा, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी ऐसा हो जिससे कि बच्चे का जो रैंकिंग है मार्क्स के बेसिस पर हो, न कि इस बेसिस पर कि वो फॉर्म पहले भरे या एज ज़्यादा का है। थैंक यू। तो ये कुछ सुधारात्मक जो चीज़ें हैं जो कि ये नीट की जो फैकल्टी हैं इनके द्वारा कही गई, और जाहिर सी बात है कि जो ये कन्फ्यूजन की स्थिति होती है ये ना सिर्फ एक बच्चे के दिमाग में होती है बल्कि उसके पूरे परिवार के दिमाग में भी आ जाती है, और कहीं ना कहीं उसके भविष्य पे सवाल उठ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पूरे विवाद पर अब विराम लगा दिया है, लेकिन जिस प्रकार से हमारी फैकल्टीज़ ने कहा है कि आगे इस तरह के मेजर्स लेने होंगे ताकि ना किसी बच्चे का समय ख़राब हो और ना ही उसके भविष्य पर कभी कोई सवाल उठ सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।